तो इस वीडियो में स्टीम ओएस को अपना कंप्यूटर में कैसे इंस्टॉल कर सकते हो यही दिखाने वाले हैं। इसके साथ साथ ये जो ओएस है स्पेशली किन लोगों के लिए बनाया गया है और इसको इंस्टॉल करने के लिए आपका कंप्यूटर में क्या क्या स्पेसिफिकेशंस होना जरूरी होना चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होने वाला है, सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आपको पूरा एंड तक देख लेना विदाउट एनी स्किप। अगर आप स्किप कर जाओगे हो सकता है आपका जो कंप्यूटर वो पूरी तरीके से फॉर्मेट हो जाए लेकिन आप यहाँ पे स्टीमओएस को इंस्टॉल नहीं कर, इसलिए इस चीज को मैं पहले ही बता देता हूँ कि आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल वाला आइकन आएगा ना उसको और प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी टेक्नोलॉजी के रिलेटेड वीडियोस और ट्यूटोरियल रिलेटेड वीडियोस मैं अपना समय अपलोड करता रहता हूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है स्पेशली उन लोगों के लिए है जो लोग गेम का बहुत दीवाना है। तो सिंपल सा लैंग्वेज में अगर बात करने वाले हैं तो यहाँ पे ये जो ओएस है सिर्फ और सिर्फ गेमिंग करने के लिए। तो अगर आप एक गेमर हैं तो आप यहाँ पे इस ऑपरेटिंग सिस्टम को अपना कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हो। बाकी यार इस ऑपरेटिंग सिस्टम को अपना कंप्यूटर में इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले जो चीज है आपका कंप्यूटर में UEFI सपोर्ट करना चाहिए, यानी कि आपका अगर कंप्यूटर बहुत पुराना है तो उसमें सपोर्ट नहीं करेगा, UEFI सपोर्ट करना ही चाहिए। इसके बाद आपके कंप्यूटर में मिनिमम 200 GB का एक हार्ड ड्राइव लगा होना चाहिए। हार्ड ड्राइव हो या SSD होगा तो स्पीड में थोड़ा और चार चांद लग जाएगा। इसके अलावा दोस्तों मिनिमम आपका कंप्यूटर में 4 GB रैम होना चाहिए। इसके साथ साथ अगर आपका कंप्यूटर में डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड है तो यहाँ पे बहुत बढ़िया मक्खन जैसा चलेगा। आप जानते हो कि गेमिंग के लिए ग्राफिक्स कार्ड बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। तो यहाँ पे आपका अगर NVIDIA का ग्राफिक्स कार्ड है, इसके अलावा अगर आपका डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड के बजाय आपका अगर इनबिल्ट ग्राफिक्स कार्ड है, AMD का ग्राफिक्स कार्ड है या इंटेल का कोई ग्राफिक्स कार्ड है तो यहाँ पे अच्छे से वर्क कर जाएगा। तो ये सब चीज अगर आपका मशीन में है तो ही आप इस चीज को अपना कंप्यूटर में करें, अदरवाइज आप ना। खाली आपको ये ध्यान रखना है कि आप सब कुछ सही से कर रहे हो तभी जाके ये प्रोसेस कर पाओगे। दोस्तों सबसे पहले आपको कोई भी एक ब्राउजर ओपन करना है। अब ब्राउजर ओपन करते ही आपको हमें सर्च पे स्टीम ओएस लिख के आपको सर्च कर देना है। सर्च जैसे करोगे स्टीम ओएस पहला वाला जो ऑप्शन आएगा इसको ओपन कर लेना है। DIY स्टीम मशीन इस पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको बहुत सारा कुछ देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे आपका कंप्यूटर का यहाँ पे स्पेसिफिकेशन बताया जाएगा कि कौन सा स्पेसिफिकेशन अगर आपके कंप्यूटर में होगा तो ये वर्क करेगा जैसे कि मैं पहले बताया था। तो आपको थोड़ा सा नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा डाउनलोड स्टीम इंस्टॉलेशन, आपको ये ऑटोमेटेड इंस्टॉलेशन इस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना है। फिर डाउनलोड स्टीम बेटा इस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आप डाउनलोड जैसे कंप्लीट हो जाएगा, ये डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद दोस्तों आपको एक और चीज डाउनलोड करना है, WinRAR लिख के आप जैसे सर्च कर दोगे WinRAR साइट आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। आप इसको ओपन कर लो, फिर यहाँ से आप डाउनलोड पे क्लिक करो और यहाँ पे आपको 64 GB वाला वर्जन डाउनलोड कर लेना। आप डाउनलोड जैसे कंप्लीट हो जाएगा ब्राउजर को क्लोज कर दीजिए। फिर 10 से ओपन करिए। ओपन करने के बाद डाउनलोड फोल्डर में आपको कंप्रेस फोल्डर में जाना है। कंप्रेस फोल्डर में आपको यहाँ पे दिख जाएगा स्टीम ओएस इंस्टॉलर, तो ये दिख जाएगा। इसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पे ओपन पे क्लिक करना है। ये ओपन होकर आपके सामने आ जाएगा और यहाँ इसको नीचे से ऐसे सिलेक्ट करके पूरा डिस्क यहाँ तक आपको सिलेक्ट करना है। फिर आपको दिस पीसी को फिर से ओपन करना है। फिर यहाँ पे अभी आपको अपना कंप्यूटर में पेन ड्राइव को इंसर्ट कर देना है। पेन ड्राइव को इंसर्ट कर देने के बाद आप दिस पीसी को ओपन करिए। दिस पीसी को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपका पेन ड्राइव शो हो जाएगा। पेन ड्राइव के ऊपर राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे फॉर्मेट पर क्लिक कर दीजिए। फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन में FAT32 इस पर सिलेक्ट करें। फिर यहाँ पे आप वॉल्यूम का नाम दे सकते हैं और यहाँ पे क्विक फॉर्मेट इस पर सिलेक्ट करने के बाद आप स्टार्ट पे क्लिक कर दीजिए और आपका पेन ड्राइव जो है फॉर्मेट हो जाएगा। फॉर्मेट जैसे हो जाएगा पेन ड्राइव को ओपन करिए। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे ये जो फाइल आपने जितना सारा सिलेक्ट किया था उसको यहाँ पे ऐसे ड्रैग करके पेन ड्राइव के ऊपर छोड़ देना। आप जैसे ही छोड़ दोगे कॉपी हो जाएगा, बिल्कुल पेन ड्राइव इस तरीके से पूरा फिल हो जाएगा। इसके बाद आपका पेन ड्राइव जैसे रेडी हो जाएगा यहाँ पे ऐसा लोगो दिखेगा और इंस्टॉल Debian GNU Linux ये दिखाएगा। ये अगर आपका कंप्यूटर में नहीं दिखा रहा है तो आप एक बार पेन ड्राइव को निकाल लीजिए कंप्यूटर से, फिर जैसे इंसर्ट कर दोगे तो ये बिल्कुल इसी तरीके से दिखाएगा। तो अभी आपका पेन ड्राइव रेडी है कम्प्लीटली। दोस्तों अभी पेन ड्राइव रेडी होने के बाद आपको अपना कंप्यूटर का बायोस मेनू को एक्सेस करना। बायोस मेनू को कैसे एक्सेस करने के लिए आप इस फोटो को रेफरेंस ले सकते हो, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया उसको भी फॉलो करके आप बायोस मेनू में जा सकते हो। अब बायोस मेनू में आने के बाद आपको ये देखना है कि आपका कंप्यूटर में सिक्योर बूट इनेबल है या डिसेबल है। अगर इनेबल है तो उसको आप डिसेबल कर दीजिए। डिसेबल करने के बाद आप अपना कंप्यूटर का बायोस मेनू से निकल जाइए। अभी आपको अपना कंप्यूटर का बूट मेनू को एक्सेस करना। बूट मेनू को कैसे एक्सेस करना इसके लिए इस फोटो को रेफर में ले सकते हो, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उसको भी फॉलो कर सकते हो। अब दोस्तों बूट मेनू में एक्सेस करने के बाद आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन में बूट मैनेजर में आना है। बूट मैनेजर में एंटर प्रेस कर देना और यहाँ पे आपको अपना पेन ड्राइव को सिलेक्ट करना है। देखिए यहाँ पे पेन ड्राइव सिलेक्टेड है। फिर आपको एंटर प्रेस कर देना है और यहाँ पे जो है आपके सामने स्टीम ओएस का एक यहाँ पे
स्क्रीन आ जाएगा, आपको यहाँ पे एक्सपर्ट इंस्टॉलिंग, आपको यहाँ पे ऑटोमेटेड इंस्टॉल, इस पर क्लिक करना है। ध्यान रहे, ये आप करने जाओगे तो आपका कंप्यूटर का जितना भी डेटा है सब कुछ उड़ जाएगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए कुछ इसे रन होगा, आपको इंतजार करना है। यहाँ पे कुछ स्कैनिंग होगा, आपको यहाँ पे इंतजार करना है जब तक कम्प्लीट नहीं होता है। यहाँ पे सिस्टम इंस्टॉल हो रहा है, जब तक इंस्टॉल कम्प्लीट नहीं होता है आपको इंतजार करना है। दोस्तों इंस्टॉल होने के बाद कुछ और काम जो है ऑटोमेटिक परफॉर्म होगा, आपको वहाँ पे भी इंतजार करना है जब तक ये सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल होता है। देखिए यहाँ पे दिखा रहे हैं कि 594 सॉफ्टवेयर के इंस्टॉल होगा, तो ये आपके इंतजार करना है कि जब तक ये सारा इंस्टॉल ना हो आपको यहाँ पे इंतजार करना पड़ेगा। देखिए जैसे इंस्टॉल हो जाएगा ऑटोमेटिक रिस्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे रिस्टार्ट होने के बाद आपके पास इस तरीके का यूजर इंटरफेस आ जाएगा यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे स्टीम जीएनयू लिनक्स ऊपर में ये जो ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करना है, फिर आपको इंटरप्रेस कर देना है। देखिए स्टीम ओएस यहाँ पे बूट होके आपके सामने आ चुका है। अभी आपको इसके ऊपर डबल टैप करना है। अभी यहाँ पे जो है स्टीम ओएस यहाँ पे अपडेट होगा, आपको यहाँ पे भी इंतजार करना है जब तक कंप्लीट नहीं होता है। जैसे कंप्लीट हो जाएगा आपको फिर से इसके डबल टैप करना है स्टीम के ऊपर। अभी यहाँ पे भी ये अनपैकिंग होगा, आपको यहाँ पे इंतजार करना है। फिर यहाँ पे ऑटोमेटिक रिस्टार्ट हो जाएगा आपका पीसी। फिर यहाँ पे आपको स्टीम जीएनयू लिनक्स इस पर क्लिक करना है। अब लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, फिर टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना है। यहाँ पे डिस्प्ले रेजोल्यूशन सेट करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करें। यहाँ पे अपना कंट्री के हिसाब से टाइम जोन सेट करें। यहाँ पे अगर आपका स्टीम पे पहले से ही कोई अकाउंट क्रिएटेड है उसको लॉगिन कर लीजिए, अगर आप नहीं है आप ज्वाइंट बटन पर क्लिक करके आप अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। नाउ योर स्टीम इज कम्प्लीटली रेडी। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपके साथ कोई दूसरा टॉपिक में, तब तक के लिए गुड बाय।